स्प्रिंग्स के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि जो स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एफ फोर्स लगा के खींचता हूँ तो स्प्रिंग के ऊपर मुझे फोर्स लगानी पड़ती है खींचने के लिए, और जब मैं छोड़ता हूँ तो स्प्रिंग के अंदर बराबर फोर्स डेवलप होती है जो स्प्रिंग को वापस लेके आती है। उस स्प्रिंग को की फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये लास्ट टाइम किया था। तो अगर मैंने स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेस किया या एक्सपैंड किया, इसकी नेचुरल लेंथ है, तो फोर्स मैंने के एक्स लगाई तो वापस की फोर्स क्या है, माइनस के एक्स। ये हमने किया। इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे वर्क डन भी करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा, हाफ के एक्स स्क्वायर करना पड़ा। और हाफ के एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो स्प्रिंग को एक्स एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्प्रिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्प्रिंग के अंदर ये आपके माइंड में आएगा, कभी भी स्प्रिंग की प्रॉब्लम आए, कि मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं एफ इज इक्वल टू के एक्स, या मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं हाफ के एक्स स्क्वायर। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये एफ इज इक्वल टू के एक्स लगेगा या हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में स्प्रिंग को या तो कंप्रेस किया जाएगा या एक्सपैंड किया जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो लगेगी। तो कैसे डिसाइड करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, ना ये खिंचा हुआ है ना ये कंप्रेस्ड है, बस नॉर्मल है। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है, लटका दिया आपने, इसके यहाँ मास m लगाया, m लगाया और छोड़ दिया। जैसे m मास लगा के छोड़ा तो नीचे गिरा मास, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, अल्टीमेटली यहाँ पे आके इस लाइन पे रेस्ट पे आ गया। ये इसकी रेस्ट की पोजीशन आ गई। गया तो ये नीचे था, फिर ऊपर भी था इस लाइन के, फिर नीचे भी, ऊपर, रुका कहाँ पर, यहाँ पे रुका, जहाँ पे ये फाइनली रुक गया इसकी नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ना ये नीचे जाएगा ना अब ये ऊपर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मास लगाया था और छोड़ा और फिर यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया ना, ऐसा नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पोजीशन आने में टाइम लगा। कैसे टाइम लगा, पहले काफ़ी नीचे गया था, फिर ऊपर नीचे और फिर कहीं इक्विलिब्रियम इसने अटेन किया। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्सपैंड हो गया। कितना एक्सपैंड हो गया, एक्स नॉट। तो कभी कभी बोला जाता है कि एक्स नॉट इसकी एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी कितनी एक्सपेंशन है, एक्स नॉट एक्सपेंशन है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक्सपेंडेड है तो स्प्रिंग में वापस लाने की फोर्स तो होगी, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, कि एक्स नॉट, जो स्प्रिंग को कहाँ लेके जाएगी, वापस। पर स्प्रिंग जा नहीं पा रहा ना, क्योंकि वेट इसको नीचे लेके जा रहा है। के एक्स नॉट चाहता है ये ऊपर चला जाए, ना ये नीचे ना ये ऊपर। तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है, एम जी किसके इक्वल है, के एक्स नॉट। तो एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो नीचे की और ऊपर की फोर्स आपने इक्वेट कर दी इक्विलिब्रियम पे, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाय के इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वर्ड के साथ आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वहां पर नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो। और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। यहां पर एनर्जी का कोई काम नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो। तो फोर्स को फोर्स के साथ इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछे कि ये ब्लॉक कहां पे रेस्ट पे आया, एक्स नॉट पे आया, तो एक्स नॉट एक्सपेंशन है स्प्रिंग की एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एक्स नॉट कैसे निकलेगा, इक्वेशन क्लियर है। ये पहला स्टेप है। चलो दूसरा स्टेप मान लो, एक मिनट के लिए आपके पास एक स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है अगेन एक बार अपनी नेचुरल पोजीशन पे है। तो ये आपकी नेचुरल पोजीशन के ऊपर स्प्रिंग है, ना ये एक्सपेंडेड है ना ये कंप्रेस्ड है। आपने फिर से एक ब्लॉक लगाया, जो ब्लॉक लगाया वो ऊपर नीचे गया होगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आके रुक गया। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अब ये मास m यहाँ पे आराम कर रहा है, स्प्रिंग एक्सपेंडेड है, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है,
एक्स नॉट, और अगर एक्स नॉट निकालना हो तो पिछला क्वेश्चन आपको बताता है कि एक्स नॉट कैसे निकलता है। चलो ये एक्स नॉट गिवन है, पर अब न्यूमेरिकल ऐसे स्टार्ट है कि रेस्ट कर रहा था ये, आप गए आपने इसको वी वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे झटका दिया वी वेलोसिटी से। अब जैसे ही आपने इसको वी वेलोसिटी दी तो ये सिस्टम कहाँ गया, नीचे गया, तो मैक्सिमम इतना नीचे गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करा के यहाँ पे तो रेस्ट आएगा ही आएगा, पर एक बार तो नीचे चला गया, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम खुला। पहली बार जब वो मैक्सिमम खुला तो स्प्रिंग यहाँ से नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट तो पहले ही खुला हुआ था, लेकिन अब उसकी एक्सपेंशन एक्स नॉट से भी ज़्यादा हो गई, कितनी हो गई, एक्स मैक्स हो गई। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन के केस में ये बताओ कि इस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसके बाद इसने कहाँ जाना है, ऊपर। तो क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं, ये रेस्ट पे है, नहीं है, क्यों, ये परमानेंट रेस्ट पे नहीं है ना, क्योंकि अगले इंस्टेंट पर ये नीचे जाके कहाँ आने वाला है, ऊपर, यानी कि ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की फोर्स छोटी है, इसलिए ऊपर जा रहा है ये। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ऊपर जाने का मतलब है नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लगने वाला नहीं है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, ये किसी इंस्टेंट पे जरूर जीरो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी जीरो है, अगले इंस्टेंट पर ये ऊपर जाएगा, ठीक है यहां तक। तो ये ब्लॉक यहां से अब ऊपर जाएगा, तो आपको ये निकालना है कि एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, कि स्प्रिंग और कितना एक्सपेंड हुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए, जब स्प्रिंग मोशन में हो और आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो, या दोनों वेलोसिटीज गिवन हो आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है सब कुछ, अगेंस्ट ग्रेविटी जो स्प्रिंग की फोर्स है वैसे भी वो तो कंजर्वेटिव है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, जो वर्क डन है या एनर्जीज हैं वो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगती है इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बताओ, वन पॉइंट और टू पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, क्योंकि सिस्टम चला कहाँ से था यहाँ पर, मैंने इसको कौन सी वेलोसिटी दी थी, यहाँ पर वी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो। तो वन और टू पॉइंट पर एनर्जी को कंजर्व कैसे करना है इसको ध्यान से समझ लेते हैं। अब मेरे पास पहली एनर्जी है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी एक और पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी, स्प्रिंग एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, एनर्जी या पोटेंशियल दो टाइप की हो गई, ग्रेविटेशन भी होगी और स्प्रिंग एनर्जी भी होगी, और साथ में तीसरी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो तीन एनर्जीज हैं यहां पर भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो करें सॉल्व इसे। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बारी आएगी, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ग्राउंड लेना होता है, क्योंकि आपको MgH में H कहाँ से लेनी है देखना होता है। तो ग्राउंड यहाँ यहाँ जहाँ मर्जी लो, बेस्ट तरीका यही है कि आपका ब्लॉक इससे नीचे तो गया नहीं, इसी को ग्राउंड ले लो। इससे ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी क्या हो गई, जीरो। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक भी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, अब स्प्रिंग की एनर्जी के लिए आपको स्प्रिंग को पूछना पड़ेगा कि तू कितना एक्सपेंडेड है नेचुरल लेंथ से, तो स्प्रिंग कहेगा देख नेचुरल लेंथ मेरी इतनी है और मैं नेचुरल लेंथ से इतना एक्सपेंड हो चुका हूँ, कितना, एक्स मैक्स। ये ना बोलें, नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन ली जाती है हमेशा स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ थी, ब्लॉक यहाँ पर है, तो स्प्रिंग कितना एक्सपेंड हो चुका है, एक्स मैक्स। तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, यहां और यहां की हाइट क्या है, एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, तो एम जी इंटू एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। यहां पे स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी है, यहां पे है कि नहीं है, नहीं है, स्प्रिंग से पूछो ना, क्या तू एक्सपेंडेड है, क्या स्प्रिंग बोलेगा नेचुरल लेंथ से एक्सपेंडेड हूं, है ये नेचुरल लेंथ है, कितना एक्सपेंडेड है, एक्स नॉट, एक्स नॉट। तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या बनेगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और काइनेटिक में क्योंकि आपने इसको वी वेलोसिटी दी थी तो काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तो हमने काइनेटिक दी, जब ये ब्लॉक यहाँ पर है स्प्रिंग, देखो आपने ये नहीं देखना ये चला था कैसे चला था, आप ये देखें कि नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है, नेचुरल लेंथ से ये एक्स नॉट अभी भी एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग में एनर्जी होगी इसमें हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी इंटू एच है ही है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी जीरो है, स्प्रिंग एनर्जी देख लो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना एक्सपेंडेड है एक्स मैक्स, काइनेटिक जीरो। तो इन दोनों एनर्जीज को वन और टू पॉइंट की एनर्जीज को इक्वेट करेंगे, वन पॉइंट पर पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है और स्प्रिंग भी है, टू पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं है काइनेटिक नहीं है सिर्फ स्प्रिंग है, इन्हें इक्वेट करके एक्स मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा ये कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल नहीं है, क्लेरिस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक में ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं स्प्रिंग पढ़ने लगाऊं जी मैं देखूं मेरे को कौन सी प्रॉब्लम स्प्रिंग की गिवन है, कुछ ना गिवन बुक में ऐसा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने न्यूमेरिकल अलग अलग बुक्स में से इकट्ठे किए हुए हैं और कॉन्सेप्ट वाइज इसको शीट को लिखा हुआ है, ठीक, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, इसके बीच में से कोई न्यूमेरिकल निकालने बात अलग है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, फिर देखते हैं। तो मैंने इन टाइप की प्रॉब्लम में एक नोट लिख दिया आपके लिए, क्या नोट लिखा कि अगर ये नेचुरल लेंथ है मास लगाने के बाद ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, फिर आपने इसको धक्का मारा और ये यहाँ पर आ गया, तो ऐसे केस में एक्स नॉट का मतलब कौन सी पोजीशन है इक्विलिब्रियम, द बॉडी किस पे रहेगी एट रेस्ट, एक्स मैक्स का मतलब क्या है मैक्सिमम एक्सपेंशन फ्रॉम अनस्ट्रेच या नेचुरल लेंथ या अनस्ट्रेच पोजीशन कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉक नीचे आ जाएगा। फिर ये भी लिखा हुआ है इफ वी वांट टू कैलकुलेट एक्स नॉट, अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एम जी इज इक्वल टू के एक्स, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स। लेकिन ये भी लिखा हुआ है व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द एक्स मैक्स ये तो दैट इज मैक्सिमम एक्सपेंशन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्या यूज करेंगे एनर्जी यूज करेंगे, फोर्स नहीं यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो यहां तक क्लियर है यहां तक कि किसमें क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट सपोज करो आपके पास ये एक ब्लॉक है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की और ब्लॉक लगाने के बाद ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट कर रहा था और स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है एक्स नॉट, ठीक है एक्स नॉट, आपने इसको वी वेलोसिटी दी स्प्रिंग और एक्सपेंड हो गया कितना एक्स डैश, एक्स डैश हो गया और इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए एक्स डैश निकालो तो आप क्या करेंगे वन और टू पॉइंट पे क्या लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में बोलें यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वन पॉइंट पर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी होगी, क्या स्प्रिंग एक्सपेंडेड है नेचुरल लेंथ से एक्सपेंडेड है तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये भी क्लियर है। पोटेंशियल कितनी है ग्राउंड से एम जी एक्स डैश, एम जी एक्स डैश। फिर टू पॉइंट पर काइनेटिक क्या है जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी टू पॉइंट पर, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल भी क्या है जीरो। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ है यहां पे स्प्रिंग आएगा तो कितना एक्सपेंडेड है एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या है हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट करके जो क्वेश्चन पूछा होगा वो निकल जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या गिवन है और कैसे इसको हैंडल करना है आपने, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एक स्प्रिंग है, पीछे से एक मास आ रहा था, फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये स्प्रिंग की क्या लेंथ गिवन है नेचुरल लेंथ गिवन है, ठीक, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ गिवन है, कोई एक्सपेंशन नहीं कोई कंप्रेशन नहीं। ये मास अभी यहां पे नहीं था, पीछे से आ रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वी वेलोसिटी से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इसको टच करता है और फिर इसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो जब तक ये दूर है मेरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो स्प्रिंग पे है, जब तक स्प्रिंग को टच नहीं कर रहा ये ब्लॉक तो मेरे को क्या लेना देना यार ये यहाँ पे है या वहाँ पे है या पता कितनी दूर है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन कब स्टार्ट है जब इसकी कंप्रेशन स्टार्ट हो गई, तो पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट हो गया। अब इस ब्लॉक ने क्या किया इस स्प्रिंग को दबाना शुरू कर दिया, दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब गया, तो ये मैक्सिमम दब गया,
तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे आके रुक गया, फॉर एन इंस्टेंट रुका, क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं, क्यों? क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पर स्प्रिंग उसे उठा के बाहर फेंक देगा, स्प्रिंग की फोर्स बड़ी होगी तो ये परमानेंट रेस्ट पे नहीं आएगा, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, हाँ फॉर एन इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो जरूर है। फिर क्या होगा? तो मान लो नेचुरल पोजीशन से स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, एक्स मैक्स, ठीक है, आपको क्वेश्चन में निकालना है एक्स मैक्स कितना है, तो वन और टू पे क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले स्प्रिंग एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वन पॉइंट पे, फिर टू पॉइंट पर भी स्प्रिंग एनर्जी, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, इनका सम क्या हो गया, सेम, ठीक है यहाँ तक। तो वन पॉइंट पर ये बताए कि स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, क्या वन पॉइंट पर स्प्रिंग दबा हुआ है, कंप्रेस्ड है कि एक्सपेंडेड है, कि कुछ भी नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है, एक्सपेंडेड लग रहा है आपको, पर मैंने तो लिखा था ये कौन सी लेंथ पे है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है कि नेचुरल लेंथ पे, इसके बाद दबना शुरू है, तो नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ग्राउंड पे हो रहा है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या रहेगी इसमें, जीरो। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी थी यहां पे हिट करते हुए, इस ब्लॉक की वेलोसिटी वी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अच्छा, टू पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी बोलो कितनी है, क्या ये स्प्रिंग दब गया, दब गया, कितना दब गया, कंप्रेशन कितना है, एक्स मैक्स, तो स्प्रिंग की एनर्जी बोलो कितनी है, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब भी जीरो, ग्राउंड पे तो रहे हैं, सब कुछ हाइट तो है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इंस्टेंट क्या हो गई, जीरो। तो इसे और इसे इक्वेट कर लें, ये चेक करें आंसर, एक्स मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो इसे अगर इक्वेट कर लें तो आपके पास आएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू के मैक्स का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, तो एक्स मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के इंटू वी, तो आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, नहीं, एनर्जी तो स्केलर है ना, एनर्जी एनर्जी होती है, चाहे कंप्रेस्ड करो चाहे एक्सपैंड करो, बराबर एनर्जी होती है हाफ के एक्स पर, माइनस नहीं होती एनर्जी, ठीक है यहाँ तक। तो ये स्टेप भी क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को आपकी कई बुक्स ऐसे सॉल्व करने की बजाय कि एनर्जी कंजर्वेशन वन पे, एनर्जी कंजर्वेशन टू पे, टोटल एनर्जी इक्वेट करने की बजाय ऐसे लगाती हैं, सम ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ स्प्रिंग एनर्जी इक्वल टू जीरो। भाई जब चेंज ही नहीं होगा तो एनर्जी अपने आप क्या होगी, कॉन्स्टेंट। ये ऑप्शनल है प्लीज, अगर आपको नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो इसको यूज करूंगा नहीं, फिर आप कहोगे क्यों करवा रहे हो, किताबें यूज करती हैं फिर वो टर्म समझ में नहीं आती वो क्या कर रही है, तो मैं तो इसको ऐसे ही करूंगा हर क्वेश्चन को, मेरे को यही पसंद है वन एंड टू, पर आपकी बुक्स ऐसे कर लेती हैं, बता देता हूँ एक मिनट में। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, डेल्टा पोटेंशियल क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और डेल्टा स्प्रिंग एनर्जी क्या है, फाइनल स्प्रिंग इनिशियल स्प्रिंग। तो ये बताओ कि जब ये ब्लॉक ने इसको टच किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, और फाइनली क्या हो गई, जीरो। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल क्या होगी, जीरो। तो फाइनल जीरो, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में पहले भी जीरो, बाद में भी जीरो। स्प्रिंग एनर्जी इनिशियल जीरो थी, स्प्रिंग कंप्रेस था ही नहीं, और फाइनल क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये देखो, तो ये इसे सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको रहने दो, वही ठीक है मेरे ख्याल से, वन और टू पॉइंट लेके एनर्जीज अलग अलग लेके इक्वेट करके आंसर निकालेंगे। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं इसमें, ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत जगह दिखेगी, सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि सपोज करो आपके पास एक ना स्प्रिंग है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है, ये जो स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ एल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मास ले लिया, पत्थर बांध दिया और गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब जब गोल घुमाओगे स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग तो एक्सपैंड हो जाएगा, स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो गया बाय एक्स, एक्स एक्सपैंड हो गया,
अब टोटल लेंथ या टोटल रेडियस जिससे कि ये मास घूम रहा है, वो रेडियस क्या हो गया इसमें, एल प्लस एक्स, है ना। तो एक्स एक्सपैंड हो गया तो टोटल रेडियस क्या बन गया, एल प्लस एक्स। तो एल प्लस एक्स रेडियस में ये मास घूम रहा है। अब जब कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसके पास कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रिपेटल। सेंट्रिपेटल कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर। अब जब ये एक्स एक्सपैंड हुआ राइट, तो स्प्रिंग की फोर्स कहाँ एक्ट की, लेफ्ट, और कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स सेंटर। तो स्प्रिंग की फोर्स ही एक्ट करेगी सेंट्रिपेटल। सेंट्रिपेटल का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसमें रेडियस क्या है, एल प्लस एक्स। तो के एक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आपको ऐसे क्वेश्चन में ओमेगा पूछा जाएगा तो के एक्स डिवाइडेड बाई लिख लेना एम इन टू एल प्लस एक्स, जो भी पूछा जाएगा निकाल लेना। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सेंट्रिपेटल, और सेंट्रिपेटल फोर्स है, सेंट्रिपेटल एनर्जी तो होती नहीं है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स का मतलब ये कॉन्सेप्ट फोर्स का ही लगेगा इसमें। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और दो मासेज हैं M1 M2 कॉर्नर पे लगे हुए हैं, आपने क्या किया, इसको दबा के छोड़ दिया, तो दबाया और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब आपने फोर्स लगाई होगी या आपने कंप्रेस किया होगा ऑब्वियसली इसे, तो आपने इसके एक्स कंप्रेस किया ऐसे दबाया, तो ये स्प्रिंग बाहर खुलने की कोशिश करेगा कुछ ऐसे। आपने एक्स इसमें कंप्रेस किया तो स्प्रिंग की फोर्स ऐसे होगी और इस पर स्प्रिंग की फोर्स ऐसे होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक। तो इस केस में आप ये देखो कि जो स्प्रिंग की फोर्स है, जब आप इसको ऐसे खींच रहे हैं तो अंदर की तरफ होगी, जब दबा रहे हैं तो बाहर की तरफ होगी। तो फोर्स तो बराबर ही है ना के एक्स पूरे स्प्रिंग में है, जैसे स्प्रिंग तो मासलेस है, और अगर स्प्रिंग मासलेस है तो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी पूरे स्प्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग में सेम रहती थी टेंशन। तो अब इस केस में जो फोर्स है इसके ऊपर वो क्या होगी, m1 a1, और इसके ऊपर क्या होगी, m2 a2। तो याद रखना m1 a1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2 a2। और कभी कभी ये भी गिवन होता है कि इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये भी एप्लीकेबल है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ऐसा भी एप्लीकेबल है अगर मैंने टाइम से डिवाइड कर लूँ तो फोर्स बन जाएगी मोमेंटम ऑन टाइम, तो फोर्स की वैल्यू भी दोनों में एग्जैक्टली सेम है, एफ की वैल्यू भी सेम है। तो आज के बाद अगर दो मासेज हैं और एक मास की वेलोसिटी गिवन है और दूसरे की पूछी जा रही है, या एक की एक्सेलेरेशन गिवन है और दूसरे की पूछी जा रही है, तो m1 a1 m2 a2 से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत यूज होता है, आज के असाइनमेंट के अंदर भी काफी यूज होने वाला है ये। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है कि एक ना मासलेस ट्रे है, एक ट्रे है और इसका मास नहीं है, और ये रेस्ट कर रही है एक स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर ये रेस्ट पे है। तो स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस्ड नहीं है, क्यों नहीं कंप्रेस्ड, क्योंकि ट्रे का मास ही नहीं है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। कोई आपने एक बॉल ली एच हाइट से, मान लो मिट्टी की बनी हुई बॉल है, गिली मिट्टी है, और ट्रे पे गई और चिपक गई, एम मास है,
तो ट्रे कहाँ जाएगी? नीचे। स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस। तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। कितना कंप्रेस हो गया? जब मास यहां पर लगा x। क्या ये ट्रे फाइनली यहां पर रेस्ट पे आ जाएगी? नहीं, एक बार जाएगी और फिर ऊपर भी आएगी। तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं है, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ऐसे केस में जब बॉल यहां पे है, इस पोजीशन पे है, और जब बॉल इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तो जब बॉल इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे है, मैं क्या लगाऊंगा? एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाएं, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वन पॉइंट पर, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू पॉइंट पर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड किसे माने? जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसी को क्या मान लेना है? ग्राउंड है। तो सपोज ये क्या है? मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अब इस केस में जब ये मास यहां पर है तो बोलो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? मास अभी हवा में है तो स्प्रिंग कहां दिख रहा है आपको? यहां। क्या ये स्प्रिंग कंप्रेस था जब ये मास हवा में है? कंप्रेस था, दबा हुआ था, दबा हुआ था। किसने दबाया उसे? रिपीट करता हूं, जब ये मास हवा में है तो सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये हवा में है अभी और ये स्प्रिंग ऐसे है, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? जीरो। क्यों? क्योंकि मास तो अभी आया ही नहीं ट्रे के ऊपर, और ट्रे का मास नहीं है तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो कंप्रेस तो है ही नहीं, तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी यहां पर? जीरो। अच्छा, इसको ड्रॉप किया गया, वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर ये ग्राउंड है तो ये एक्स कंप्रेस होगा, और हाइट एच है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एच प्लस एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? तो हाइट कितनी है इसकी? बिल्कुल यहां से एम जी इंटू एच प्लस एक्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब टू पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? अब स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो चुका है? ये ट्रे यहां से यहां गई है, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ? एक्स। तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक इस इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी? जीरो, ट्रे रुक गई, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो। तो वन पॉइंट की और टू पॉइंट की एनर्जी इक्वेट कर दें, तो वन पॉइंट पर बस ये एनर्जी है, टू पॉइंट पर एनर्जी है, इक्वेट कर दें आंसर। तो अगर आप मुझे क्वेश्चन देंगे करने के लिए, मैं ये कुछ नहीं करूंगा, मेरे को याद है कि मुझे पता है कि अगर एक्स कंप्रेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ, आप हो सकता है शुरू शुरू में करके देखें, बाद में आपको भी याद हो जाएगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये लॉजिक लगेगा इसमें। इंपॉर्टेंट है ये केस। ठीक, जैसे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आते हैं, कैसे कि अगर मान लो ये आपके पास एक पुली है, पुली के ऊपर स्ट्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है, मूविंग पुली की तरह है, पुली ऊपर नीचे हो सकती है, स्प्रिंग क्योंकि ऊपर नीचे एक्सपैंड होगा, तो आपने इस रस्सी से फोर्स लगाई एफ, और ये रस्सी यहाँ पर है, और आपने रस्सी को खींच दिया बाय वाई। अब जब रस्सी को खींचोगे तो पुली नीचे आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा, जोर तो यहीं पड़ेगा पुली पे, पुली नीचे आ गई, यहाँ पर मास तो है नहीं, तो ग्राउंड से अटैच्ड है, जब खींचेंगे तो पुली को नीचे आना पड़ेगा। तो मूविंग पुली अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ टेंशन टी एंड टी है तो यहाँ पर टेंशन टू टी है, तो अगर यहाँ फोर्स एफ एंड एफ है तो यहाँ पर फोर्स टू एफ है, तो स्प्रिंग की फोर्स यहां पर क्या हो जाएगी? 2F। ठीक है, आपको याद होगा अगर यहां की एक्सेलेरेशन a है तो याद करो यहां की एक्सेलेरेशन 2a, a by 2 है, जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलेरेशन हाफ है, हमने मूविंग पुली में किया था। तो अगर यहां पर डिस्प्ले एक्सेलेरेशन y a है तो यहां a by 2 है, वेलोसिटी v है तो v by 2 है, डिस्प्लेसमेंट y है तो y by 2, हमने किया था मूविंग पुली में कि जहां टेंशन डबल होती है एक्सेलेरेशन वहां पर हाफ होती है, डिस्प्लेसमेंट भी हाफ है। फिर स्प्रिंग की फोर्स क्या बनी? 2F। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? y by 2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फोर्स और y का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मार्क करनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक, स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफी आता है।
सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट। देखो स्प्रिंग इन सीरीज में क्या होता है, आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, एक स्प्रिंग और दो स्प्रिंग, एक के बाद एक लगा हुआ है और नीचे मास m है। मैं ये चाहता हूं कि दो स्प्रिंग्स की बजाय मैं एक स्प्रिंग लगाऊं अलग मटेरियल का। देखो K1 K2 डिफरेंट होने का मतलब मटेरियल दोनों के डिफरेंट हैं, एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, और मैं ये चाहता हूं कि इन दो स्प्रिंग की जगह मैं एक स्प्रिंग लगाऊं जो सेम काम करे जो दो स्प्रिंग मिलके करते हैं। तो इसके अंदर ये K1 है और ये K2 स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग अलग है और मास m है और ये स्प्रिंग मासलेस है, कोई मास नहीं है। अगर आपको फोर्स का चैप्टर याद है तो मैंने ऐसे सिखाया था, ये टेंशन है स्प्रिंग है, ये मास है, ये वेट है, टेंशन जहां मर्जी ले लो टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी सेम, जब स्प्रिंग मासलेस होता है टेंशन यूनिफॉर्म होती है। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग मासलेस है तो स्प्रिंग की फोर्स भी यूनिफॉर्म रहेगी, स्प्रिंग की फोर्स भी चेंज नहीं होगी इसमें। तो स्प्रिंग की फोर्स इसमें और इसमें सेम है और फोर्स कौन लगा रहा है, वेट mg, तो mg जो फोर्स लगा रहा है वहां से जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इसमें 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 वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो सेम होगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब फोर्स इस सेम है पर एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, क्योंकि k1 k2 डिफरेंट है, एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, एक ज्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा, इसलिए एक्सपेंशन दोनों की डिफरेंट है। फोर्स सेम है एक्सपेंशन डिफरेंट है क्योंकि के डिफरेंट है, कोई डाउट इसमें? अब मैं ये चाहता हूं कि दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगे, उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है केएस, एक्सपेंशन इन दोनों के मिला के कितनी है एक्स वन प्लस एक्स टू, और मैं ये चाहता हूं कि इसकी एक्सपेंशन भी सेम हो, कितनी एक्स वन प्लस एक्स टू, तो इसलिए मैंने इसकी एक्सपेंशन को क्या लिखा एक्स वन प्लस एक्स टू। वेट भी मैंने सेम लगाया एम जी, दोनों की एक्सपेंशन एक्स वन प्लस एक्स टू, फोर्स दोनों में हर स्प्रिंग में क्या एग्जैक्टली सेम है, एम जी तो मैंने चेंज ही नहीं किया। अब फोर्स होती क्या है स्प्रिंग की, स्प्रिंग की फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या एक्स क्या होगा माइनस एफ अपॉन के। तो देखो एक्स वन इसके अंदर एक्स वन फोर्स मान लो पूरे स्प्रिंग के अंदर इसकी वजह से एफ है, तो माइनस के अपॉन एफ वन, इसकी जगह से माइनस के अपॉन माइनस एफ अपॉन एक्स वन, एक्स वन की जगह माइनस एफ अपॉन के वन, एक्स टू की जगह माइनस एफ अपॉन के टू, और इसकी जगह माइनस एफ अपॉन के एस। ठीक है, तो माइनस एफ कैंसल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया सीरीज में, फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो वन बाई के एस इज वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, ये नोट करो प्लीज, काफी जगह यूज होगा, दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाना हो तो यहां पर काम आएगा। अब स्प्रिंग्स इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने में ऐसा है, K1 K2 दो स्प्रिंग्स हैं पैरेलल में और एक मास है। मैं ये चाहता हूं कि दो की जगह एक स्प्रिंग लगे KP के पैरेलल, जो वो काम करे जो दो स्प्रिंग पैरेलल में करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें, ये M लगा, आप मुझे एक बात बताओ कि ये M मैंने इकट्ठा लगा दिया दोनों पे शेयर कर दिया, तो दो स्प्रिंग ने उठा के रखा हुआ है इन्हें, अब एक स्प्रिंग हार्ड है एक सॉफ्ट है, एक ज्यादा खींचेगा एक कम खींचेगा, कायदे से बनता तो ये है कि ये मास सीधा कभी नहीं दिखेगा, मास टेढ़ा हो जाएगा, एक स्प्रिंग हार्ड है वो खींचेगा नहीं, एक सॉफ्ट खींच जाएगा तो आपको लगता नहीं मास टेढ़ा हो जाएगा, जब टांगोगे एक तरफ से खिंचाव ज़्यादा है एक तरफ से कम है टेढ़ा, तो ये अजम्पशन है कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ अपने हाथ इसको ऐसे खींचो कि दोनों स्प्रिंग इकट्ठे खींचें, तो अगर ये टेढ़ा नहीं होगा तो एक बात तो पक्की है
फिर x की वैल्यू दोनों में क्या होगी, सेम। और अगर x सेम हो गया, k डिफरेंट है, f क्या होता है kx, k डिफरेंट है फिर f डिफरेंट हो गया। तो ऐसा तभी हो पाएगा अगर ये सीधा हो, इसकी फोर्स अलग मिले, इसको फोर्स अलग मिले। जो हार्ड स्प्रिंग है उसको ज़्यादा फोर्स मिल जाए, जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उसको कम फोर्स मिले, तभी तो x की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो सीरीज के अंदर फोर्स सेम थी सभी स्प्रिंग में, लेकिन पैरेलल में फोर्स डिफरेंट है। सीरीज में x डिफरेंट था, पैरेलल में x सेम। दो की जगह जब एक स्प्रिंग लगेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि टोटल फोर्स तो F ही लगे, इन दोनों के कुल मिला के फोर्स क्या है, F1 एंड F2, टोटल F1 प्लस F2। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी क्या मिले, F1 प्लस F2 फोर्स। एक्सपेंशन इसकी x और इसकी x है, तो इसकी भी क्या रहे, x। तो स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पैरेलल के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू सेम है, f डिफरेंट है। सीरीज में x डिफरेंट है, f सेम है। तो f की वैल्यू f1 प्लस f2, f1 की जगह माइनस k1x, f2 की जगह माइनस k2x और f की जगह माइनस k2x। सॉल्व करोगे आंसर, फॉर्मूला नोट करो। पैरल कॉम्बिनेशन में अगर दो स्प्रिंग्स हैं तो k पैरल क्या होगा, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि सपोज़ करो आपको दो स्प्रिंग दिए जाएंगे, जैसे आपको एक स्प्रिंग दे दिया उसने ये के, एक और स्प्रिंग दे दिया के, ठीक है, और ये मास है एम। तो बोलो अगर दो की जगह एक स्प्रिंग लगाना है तो बोलो इक्वलेंट के क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/KS इज इक्वल टू 1/K प्लस 1/K। तो 1/KS इज इक्वल टू कितना, 2/K। KS इज इक्वल टू कितना, K/2। आंसर क्या आएगा, K/2। ठीक है यहाँ तक? उसी तरीके से अगर मान लो एक स्प्रिंग है K, दूसरा स्प्रिंग है K, मास है, इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग लगाना है पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, 2K। ठीक है यहाँ तक? उसी तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा पेपर में जिसमें ये डायग्राम गिवन होगा, ये एक स्प्रिंग है, ये मास है और ये एक और स्प्रिंग है के एंड के, दो की जगह एक स्प्रिंग लगाना है तो बोलो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। कितने लोग बोलते हैं सीरीज में, बोला नहीं जा रहा कि बीच में मास आ रहा है। सीरीज में तब है जब एक के बाद दूसरा इमीडिएटली स्प्रिंग शुरू हो जाए, इसमें तो मास आ गया, पर लग पैरेलल भी नहीं रहा, पैरेलल है। अच्छा, पहला तरीका, वैसे तरीका मैथमेटिकल भी है मेरे पास, आसान तरीका, इन दोनों एंड को पकड़ लो और मास को ना हवा में लटका के देखना जरा क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लटका के देख लो, पैरेलल आएगा। तो पैरेलल है तो आंसर क्या आएगा, 2K, भूलना नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में रहेगा। ठीक है यहाँ तक? जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ये मास है, ये एक स्प्रिंग है के, ये दूसरा स्प्रिंग है के, ये तीसरा स्प्रिंग है के और ये चौथा स्प्रिंग है के, आंसर क्या है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के और के किस में है, पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा इसकी जगह, 2K। ये किस में है, पैरेलल 2K। अब 2K और ये 2K किस में है, फिर पैरेलल, अभी कराया था पीछे, 4K आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि किस टाइप से ये सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें? तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सीरीज पैरेलल के, जितने मर्जी स्प्रिंग लगे हो। ठीक है यहाँ तक?
नेक्स्ट ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, फॉर्मूला बुकलेट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है यहाँ तक? अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो जितना देखो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मान लो बड़ा है तो वह हार्ड है, स्टिफ है, और अगर छोटा है तो इस के की वैल्यू अगर कम है तो आराम से मूव कर सकता है। अब सोचो आपका स्प्रिंग बहुत बड़ा है, ईजी टू मूव है, देखो क्योंकि लेंथ बड़ी है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट छोटा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बड़ी करोगे स्प्रिंग की तो स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होगा तो वो सॉफ्ट होगा, है ना, स्टिफ कम होगा। छोटा सा स्प्रिंग ले लोगे खींचना मुश्किल हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो जितनी छोटी लेंथ होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बड़ा होगा। इस पे क्वेश्चन पक्का आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ उसकी एल है। आपने स्प्रिंग को काट दिया दो हिस्सों में, लेंथ कर दी आधी। लेंथ आधी करने से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? डबल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया? 2k, 2k, k था, लेंथ आधी 1/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। ठीक, आपके पास एक स्प्रिंग है, लेंथ l है, आपने 1/3, 1/3, 1/3 में तोड़ दिया, इसे काट दिया, l/3, 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 लेंथ हो गई 1/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? 3 times, 3k, 3k, 3k। ठीक है यहाँ तक? आपके पास एक स्प्रिंग है अनइक्वल लेंथ में काट दिया 1/3, 2l/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां से 3 times हो गया, यहां से 3/2 times हो गया। फिर क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने 3 equal हिस्सों में काट दिया l/3, 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 तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? 3k, 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 इन तीनों पीसीज को आपने पैरेलल में लगा दिया, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? 3k, 3k, 3k पैरेलल में, तो आंसर इज 9k। समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कोई डाउट इसमें? ये हमने कर लिया अभी वेलोसिटी वाला। ये देखते हैं वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं जिसमें इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन नहीं है और एक मास है, आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब यहाँ पर यू की वैल्यू क्या है? 0। ये स्लाइड करता हुआ आया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, के गिवन है, इसने जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया और स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो गया बाय एक्स मैक्स, कंप्रेस हो गया। एक्स मैक्स की वैल्यू बताओ क्या है? तो पहली चीज, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी क्योंकि अगले इंस्टेंट पर स्प्रिंग उठा के मास को वापस भेज देगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगनी है। तो एक काम करते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मास चला था यहाँ से, और दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं जब इसने एक्स मैक्स से क्या कर दिया, इसे कंप्रेस। जब इसने एक्स मैक्स से कंप्रेस किया होगा तो उस टाइम वेलोसिटी क्या रही होगी ब्लॉक की? 0। तो वन पॉइंट पे स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टू पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है,
तो वन पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी क्या है भाई? जब मास यहाँ घूम रहा है, स्प्रिंग तो आराम कर रहा है नेचुरल लेंथ पे, तो स्प्रिंग तो कंप्रेस नहीं होगा ना उस टाइम पे, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा उस टाइम पे तो स्प्रिंग की एनर्जी भी क्या रही होगी? जीरो। अगर मास यहाँ पे है तो स्प्रिंग तो कंप्रेस नहीं है, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है, तो इसलिए स्प्रिंग एनर्जी इस इंस्टेंट पर क्या रही? जीरो। इसको यहाँ से रिलीज किया गया, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जीरो से, तो काइनेटिक यहाँ पर क्या है? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एच, ये रहा एम जी एच। फिर इसने इसको कंप्रेस किया, जब कंप्रेस हुआ तो उस टाइम पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, दब गया। उस टाइम काइनेटिक क्या है? जीरो। दबा के बैठ गया तो जीरो ही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो, क्योंकि ग्राउंड पे हो गया सब कुछ। तो क्या हम इसे इक्वेट करेंगे तो ये आएगा ना एम जी एच और स्प्रिंग एनर्जी इक्वेट आंसर। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? सारी गेम एनर्जी कंजर्वेशन की तो है। जैसे ये देखो, क्वेश्चन है पुली स्प्रिंग मास, आपने ना इसे पकड़ के रखा हुआ था मास एम को, और ये नेचुरल लेंथ पे था, आपने रिलीज कर दिया, और रिलीज किया तो ये एक्स बहुत नीचे गया, एक्स मैक्स या एक्स मैक्सिमम एक्सपेंशन हुई। जितना ये एक बार नीचे गया उतना ही स्प्रिंग क्या हो गया? एक्सपैंड भी हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता जब ये नीचे गया तो इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, और उस चक्कर में इंक्रीज इन स्प्रिंग एनर्जी हुई। जब ये चला था तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो पकड़ा हुआ था मैंने, और जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे गया तो भी इसकी वेलोसिटी जीरो। काइनेटिक में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो इस पॉइंट पर जब ये नीचे आया तो डिक्रीज इन एनर्जी एम जी एक्स है, और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है? हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, एक्सपेंशन आ गई। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे गिवन है कि सपोज ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ये एक स्प्रिंग है और ये अपनी किस लेंथ पर है? नेचुरल लेंथ पे, ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, एल नॉट इसकी नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ से क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एम भागा भागा वी लो, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ, फ्रिक्शन है नहीं, स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करता है। स्प्रिंग कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस, तो मैक्स स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। इस इंस्टेंट पर इस मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? एल नॉट। अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? एल नॉट बाई टू। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो चुका है? हाफ, मतलब एल नॉट बाई टू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर एल नॉट बाई टू स्प्रिंग की क्या है? कंप्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अब क्या हुआ? आपने स्प्रिंग कंप्रेस होके, अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अब शुरू हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में।
अब ये मास वापस आएगा। स्लो मोशन में देखना, मास आ रहा है, स्प्रिंग खुल रहा है, मास आ रहा है, स्प्रिंग खुल रहा है। अभी ये पूरा खुला नहीं था, स्प्रिंग रास्ते में था। अभी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो चुकी है, एक्स। उस टाइम पे इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी। किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, आपको बताना है वी की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, इसे खुलना शुरू हुआ, तो जब ये खुलना शुरू हुआ तो किसी इंस्टेंट पर एक्स डिस्टेंस पे इसकी कोई वेलोसिटी होगी वी, वो वी की वैल्यू क्या है। तो क्या मैं पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, करें स्टार्ट जब ये चला था, और यहाँ पे तो यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेट करें वन और टू पे। बोलो वन पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, क्या वन पॉइंट पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है। कितना कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन कितना है, एल नॉट बाई टू। तो बोलो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ के एल नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस इंस्टेंट पर, जीरो, क्योंकि इस इंस्टेंट पर फॉर एन इंस्टेंट वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो। और ग्रेविटेशन की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, तो स्प्रिंग अभी कितना कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है एल, ये टोटल लेंथ क्या है, एल नॉट है ना, टोटल लेंथ तो एल नॉट थी, और कितना खुल चुका है स्प्रिंग एक्स, कितना नहीं खुला, एल नॉट माइनस एक्स, तो कितना कंप्रेस्ड है अभी, एल नॉट माइनस एक्स। तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ इंटू के इंटू एल नॉट माइनस एक्स का होल। और इस इंस्टेंट पर काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल तो है ही नहीं, तो ठीक है नहीं, इक्वेट कर लेना और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर मेथड समझ में आ रहा है कि दो पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी।